हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं हूं पंकज मौर्य और स्वागत है एक बार फिर से आपका घर में बगीचे चैनल में। किसान भाइयों, जनवरी का मौसम चल रहा है और काफ़ी ठंड है, कोहरा भी पड़ने लगा है, तो टमाटर की जो फसल है उस पर देखिए थोड़ा थोड़ा पछेती झुलसा जो है, लेट ब्लाइट, वो उसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। और देखिए हल्की हल्की बूंदी भी पड़ चुकी है यहाँ पर, तो इसमें जो डस्ट थी, जो बिजली धूल जमी थी, वो देखिए इस तरीके से दिख रही है। और फल काफ़ी अच्छे लगे हुए हैं। ये वैरायटी जो लगी है हमारे यहाँ, ये बढ़ने वाली वैरायटी नहीं है, लेकिन इसको स्टैकिंग की गई है, इसमें इसकी जो टहनियाँ हैं उनको बांधा गया है और इसमें जो फ्रूटिंग हुई है बहुत अच्छी हो रही है। ये देखिए, ये इंडियम 14301 वैरायटी इसका नाम है और ये ज़्यादा लंबी नहीं होती है, लेकिन ये बहुत ही सहनशील होती है वैरायटी। किसान भाइयों, दिसंबर जनवरी के महीना जैसे ही शुरू होता है तो ये जो अगेती झुलसा, पछेती झुलसा और पाले का प्रभाव देखने को मिलने लगता है, टमाटर की फसल पर खासकर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो इन सब से बचने के लिए आज हम आपको ऐसी दवा बताने जा रहे हैं जिसका प्रयोग अगर आप करते हैं तो आपके जो फंगस वाले जितने भी रोग होते हैं वो सभी रोग बिल्कुल भी आपकी फसल को छुएंगे तक नहीं और फसल आपकी बहुत ही स्वस्थ रहेगी। तो चलिए आपको बताते हैं। देखिए, पहला जो होता है वो आता है झुलसा अगेती वाला। वो अगेती झुलसा जो होता है उसमें निचली जो पत्तियाँ होती हैं, जो सबसे पेड़ के जो नीचे की पत्तियां होती हैं उन पर गोलाकार रिंग जैसे गोलाकार गोल गोल घूमते हुए पत्तियों पर निशान दिखाई देते हैं, जिनका रंग काला, भूरा या हल्का पीले कलर का होता है। और जो पछेती झुलसा होता है उसमें सिराएं जो होती हैं पत्तियों की, वहां से जली जली पत्तियां दिखाई देने लगती हैं। तो और तीसरा जो रोग सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वो फंगस वाला रोग जो होता है फल सड़न का। इसमें फल जो है वो सड़ने लगते हैं और देखिए नीचे से इस तरीके से फल दिखने लगते हैं, काले काले हो जाते हैं, बहुत ही नुकसान होता है फसल में। तो इन सबसे दूर रहने के लिए या तो आप, सबसे अच्छी बात यह है कि आप शुरू से ही कार्बेंडाजिम मैंकोजिब का किसी दोनों में से किसी एक का या फिर दोनों का जो मिक्सचर आता है साफ नाम से, उसका आप 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हर 15 दिन के अंतर पर आप छिड़काव करते रहिए तो आपकी फसल बची रहेगी। नहीं तो आप, अगर आपकी फसल में लग चुके हैं, रोग लग चुका है, तो आपको बस हम दो दवा आपको बता रहे हैं, दोनों में से आपको एक दवा स्प्रे करनी है। ये देखिए, यहाँ से पत्तियाँ देखिए इस तरीके से दिखने लगती हैं और इसमें भी अभी कहीं कहीं पे पत्तियाँ इस तरीके से दिखने लगी हैं। ये देखिए, ये पाले का असर हो रहा है। किसान भाइयों, टमाटर की फसल में फल जो है 2 कारणों से सड़ते हैं। पहला तो होता है फ्रूट बोरर लग जाता है, एक जो कीड़ा होता है फल छेदक वाला वो लगता है, तो वो अंदर ही अंदर फल को खा लेता है, इससे फल जो सड़ जाता है। और दूसरा जो सबसे मेन कारण होता है वो होता है फंगस का, जो फंगस लग जाता है उसमें अंदर और पूरा टमाटर का फल जो है वो बेकार हो जाता है, वो सड़ जाता है। तो भाइयों, इन सबसे बचने के लिए अगर आपकी फसल में इन तीनों में से कोई भी लक्षण दिख रहे हैं तो आप सबसे पहले जो दवा आपको बताने जा रहे हैं वो एमिस्टार टॉप के नाम से आती है। उसका आपको 30 ml पर टंकी डोज लेना है और जितना भी आपको पानी लगे उतना स्प्रे करिए। 15 दिन में एक बार स्प्रे और कर दीजिए, 2 स्प्रे आपको करने रहेंगे। और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो एजोस्ट्रोबिन और डाइफेनाकोनाजोल होता है इसमें। अगर इस केमिकल दोनों के मिक्सचर की कोई भी और दवा मिल जाती है, किसी और नाम से मिल जाती है किसी कंपनी की, तो आप वो भी ले सकते हैं, बराबर इफेक्टिव रहेगी। और अगर ये नहीं मिलती है तो फिर आप रिडोमिल गोल्ड ले लीजिए, ये सिंजेंटा कंपनी का आता है और ये 50 ग्राम पर टंकी के हिसाब से आपको डालना है। इसका जो केमिकल फार्मूला है वो मेटालाजिल और मैंकोजिब होता है। तो बहुत ही अच्छी दोनों दवाएँ हैं, इनमें से दोनों में से कोई भी आपको अगर मिल जाती है और आप 2 स्प्रे कर दीजिए हर 15 दिन के अंतर पर, तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा इसका। बहुत ही जल्दी जितने भी फंगस वाले रोग होते हैं, जितने भी कवक वाले रोग होते हैं, उन सब से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो ये देखिए, जो फसल में थोड़ा थोड़ा सा शुरुआत दिखने लगे इस तरीके से, तो आप स्प्रे कर दीजिए तो आपको पूरा फायदा मिलेगा। तो किसान भाइयों, आज का वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरे किसान भाइयों को भी शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।